हरे कृष्णा। आप लोग सब ठीक हैं? देखो महाराज जी ने सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको दे ही दी, तो इनका आदेश हुआ है कि मैं भी थोड़ा बहुत भक्ति पे कुछ प्रकाश डालूं। वैसे तो मेरी सामर्थ नहीं है सामर्थ तो नहीं है, पर फिर भी महाराज जी ने कहा है तो ये अपने शुभ मुख से मेरे लिए कुछ आशीष ही किया होगा, इसलिए मुझे सामर्थ आया है। देखो व्यक्ति को क्या चीज याद रखनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोग बैठे हैं, हम लोग को क्या देखो जैसे छोटा बच्चा है सबसे पहले हम उसको नर्सरी में डालते हैं। आजकल तो प्ले स्कूल्स हो गए हैं, वरना पहले नर्सरी में डालते थे, फिर उसके बाद LKG UKG फिर उसके बाद प्रेप एंड ऑल दैट। लेकिन आज वो सबसे पहले जाता है स्कूल में, तो सबसे पहले वो क्लास में एंटर करना सीखता है। जब सबसे पहले स्कूल में जाता है तो वो उसकी फर्स्ट पोजीशन है हाउ टू नो। अच्छा अब हमारी स्टेज पे आ जाओ, जो आप लोग हमारी अवस्था पे आ जाओ, हम लोगों को क्या याद रखना चाहिए जीवन में? आप लोग कथा सुन रहे हो, हमारे जिसे क्या याद रखना चाहिए? दो बातें को भूल मत, दो बातें को भूल मत, जो चाहत कल्याण नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। ये तो पता ही है, आना ही आनी है, हमें जाना ही है, और श्री भगवान भी पता है। यदि ये दोनों चीजें याद रह जाएगी तो पक्की बात है कोई भी व्यक्ति भगवान के नाम के बिना नहीं रह पाएगा, कोई भी मनुष्य भगवान के नाम के बिना नहीं रह पाएगा। हमारा सौभाग्य देखो, हम लोगों ने भारतवर्ष में जन्म लिया है, भारतवर्ष में जन्म लेने के बाद यदि श्री भगवान के चरणारविंदों में नहीं पड़े, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करी, तो हमारा दुर्भाग्य है। आप लोगों में से टीवी सीरियल्स भी देखा होगा, चंद्रमौर्य जो गुप्त है उसका सीरियल आता था, देखा होगा आप लोगों ने, तो उसमें चाणक्य का नाम सुना है आप लोगों ने? कौटिल्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना करी है, चाणक्य कौटिल्य, उनको बुद्धि की पराकाष्ठा कहा जाता है। उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में एक श्लोक लिखा है, मुझे बहुत पसंद है वो श्लोक। वो श्लोक है, तेषां श्रीमद यशोदा प्रिय सुत वचने नास्ति भक्ति नराणा, तेषां आविर कन्या प्रिय गुण कथने नानुभवतार सख्यम, तेषां श्रीमद कृष्ण लीला ललित रस कथा सादरो नैव कर्णो धिक्तान धिगेतान कथ्यते सततम कीर्तनस्तु मृदंगम। उन्होंने कहा जिसने श्री यशोदा नंदन श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करी, जिसने राधा वर श्री भगवान के दिव्य चरित्रों को नहीं सुना, जिसने बार 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 श्री राधा कृष्ण को प्रणाम नहीं किया, तो कीर्तन में बजता हुआ मृदंग है ना, धिक्तान धिक्तान, वो उसको धिक्कारता है, बार बार उसको धिक्कारता है। ये तो हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, ये तो पता ही होगा अगर मान लो हम स्पिरिचुअलिटी में भी ना जाएं तो इसीलिए भक्ति आवश्यक है। देखिए आप लोगों ने मिस्टर मार्क का नाम सुना ही होगा, जेनबर्ग मार्क, जिसने फेसबुक का इन्वेंशन किया, जिसने फेसबुक सबसे पहले निकाली, तो उसकी फेसबुक चल नहीं रही थी बीच में। हमारी भारतवर्ष की संस्कृति देखो, उसकी जब फेसबुक कुछ बीच में चलना बंद हो गई थी, मतलब शुरू उसने जब सबसे पहले अपनी इनिशियल पोजिशन पे थी वो, तो वो सबसे पहले पता है कहां पे आया था? श्री वृंदावन में श्री गोरे दाऊ जी हैं, उसके साइड में नीम करोली बाबा है जहां पे श्री हनुमान जी हैं, वो सबसे पहले श्री हनुमान जी की शरण में आए हैं। आप उनकी कभी जीवनी पढ़ो तो उन्होंने लिख रखा है, उन्होंने कहा था आई वॉज फुल ऑफ ग्रेस बाय लॉर्ड मंकी। उन्होंने लिखा है ये बात अपनी जीवनी में कि मुझे
हनुमान जी की इतनी कृपा प्राप्त हुई कि जब जाकर के ये जो फेसबुक का ये जो कार्यक्रम है जिसको आज बच्चा बच्चा यूज कर रहा है ये चला है। तो इसलिए हमारे यहाँ पर हमारे शास्त्रों में बहुत शक्ति है। आप लोगों को एक, अब आप लोग सारे बैठे हैं तो कुछ भगवान के सरस रस की भी व्याख्या सुनेंगे ही सुनेंगे। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी, बहुत अच्छा एक भक्त का प्रसंग सुनाता हूँ, क्योंकि इन चीजों में बड़ा मन लगता है। देखो एक बार क्या हुआ। एक विप्र था, मथुरा में एक विप्र रहता था। वो श्री भगवान का अनन्य भक्त था, श्रीनाथ जी का। बहुत समय पहले की बात हो गई। तो उसके पास छोटे से श्री कृष्ण, छोटे से श्री कृष्ण। तो उसकी पत्नी भी रहती थी, वो ब्राह्मणी। तो उसका एक दिन मन किया उस विप्र का कि मैं श्री भगवान के लिए एक छोटा सा फूल बंगला बनाऊं। फूल बंगला होता है ना, आप लोग बांके बिहारी में दर्शन करते हैं फूल बंगले का, तो छोटा सा फूल बंगला बनाओ। उन्होंने कहा ठीक, उसने उसके मन में कहा ठीक है। तो पहले मथुरा जो थी वो पहले से ही शहर था, बैठ जाइए, पहले से ही मथुरा शहर था। तो तो मथुरा पहले से ही मंडी था, ही शहर था। तो वहां पे बहुत सुंदर जो है वो फूलों की मंडी लगती थी। तो फूलों की मंडी लगती थी, तो वहां पर जो है उसका मन किया कि भाई हाँ मैं पुष्प खरीदूं श्री भगवान के लिए। उसी समय दिल्ली से होता हुआ आगरा की तरफ अकबर का काफिला चल रहा था। तो अकबर आ रहे थे, तो अकबर श्री बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए आ रहे थे। तो उसने अपने मंत्री से कहा कि भाई तू फूल ले आ, कुछ मंडी से, मथुरा मंडी से फूल ले आ। वो विप्र पहुंचा, विप्र जब बाजार पहुंचा फूल वाले, तो फूल वाले से, वो माली था फूल वाला, उससे कहा भैया, उसने देखा एक गुलाब का बहुत प्यारा सा गुच्छा, गुलाब के फूलों का इतना प्यारा गुच्छा रखा हुआ था। उसने कहा माली से कि भैया ये कितने का? तो उसने कहा कि भैया 2 पैसे का है। तो उसकी बात पक्की हो गई। इतने में वो जो अकबर का जो मंत्री था वो भी वहां पर पहुंच गया। पहुंचते ही वो बोला, उसने भी उस गुलाब के उस गुच्छे पे नजर डाली, वो यूं बोला कि मुझे चाहिए ये। तो उसने कहा कि भैया ये 2 पैसे में, इस विप्र की बात पक्की हो गई। तो उसने कहा ये 2 पैसा दे रहा है, मैं 5 पैसा दूंगा। विप्र खींच गया। विप्र ने कहा ये देखो इसका अहंकार, ये पैसे बढ़ा रहा है। विप्र ने और पैसे बढ़ाए। उसने कहा 1 रुपया, उसने कहा 10 रुपया, उसने कहा 20 रुपया, उसने कहा 50 रुपया, फिर उसने कहा 60, ऐसे ऐसे करके विप्र बोला 100 रुपए। वो विप्र बोला 100 रुपए दूंगा मैं इस फूल के। अब वो जो अकबर का मंत्री था वो उसके हाथ पैर भड़के, उसने कहा इन फूलों के लिए मैं अगर 100 रुपए दूंगा, इसने 100 रुपए कीमत कर दी इस फूलों की, तो अगर मैं 100 रुपए दूंगा तो राजा कुछ भी दंड दे सकता है। तो वो उसने दूसरे फूल लेके वो चला गया, वो मंत्री चला गया। अब वो जो माली था फूल वाला, वो यूं बोला विप्र को, भैया अब अगर ये फूलों का गुच्छा दूंगा तो 100 रुपए में दूंगा, इससे कम में नहीं दूंगा। वो विप्र भक्त बोला कोई बात नहीं, जब मेरे ठाकुर जी की मेरे मन में इच्छा हुई है ठाकुर जी का बंगला बनाने की, तो मैं 100 ही रुपए में इसको खरीदूंगा। उसने अपना, उस समय 100 रुपए की कीमत बहुत ज्यादा होती थी, बहुत ज्यादा। उसने अपना घर बेचा, पत्नी माथा पीट रही है क्या कराया, घर बेचा, पत्नी के आभूषण बेचे, बेच करके वो सुंदर फूलों का जो गुच्छा था वो खरीदा। वो सुंदर फूलों का गुच्छा खरीदा और खरीद करके पत्नी और वो एक जंगल में बैठ गए, क्योंकि घर तो बिक चुका था। बैठ करके उस विप्र ने बहुत सुंदर उन फूलों के गुच्छे से छोटी सी माला बनाई और पूरा भगवान का बंगला बनाया, छोटा सा, और बंगला बनाया, और वो माला जो है वो
वो जो माला बनाई थी वो जैसे ही श्री गोविंद के गले में डाली, वहां जतिपुरा में श्री विट्ठलनाथ गोस्वामी श्रीनाथ जी की श्रृंगार आरती कर रहे थे, तो जैसे ही श्रीनाथ जी की श्रृंगार आरती कर रहे थे तो जैसे ही उधर उसने गले में विप्र ने भगवान के गले में माला डाली, श्रृंगार आरती में श्रीनाथ जी की गर्दन नीचे हो गई। सच्ची बात है, श्रीनाथ जी की गर्दन नीचे हो गई और भगवान जोर जोर से रोने लग गए। विट्ठल नाथ गोस्वामी जी ने पर्दा करा, अंदर जाकर के पूछा, जय जय क्या हुआ? भगवान ने कहा, गोसाई जी मैं अखिल कोट ब्रह्मांड नायक परात्पर परम ब्रह्म अखिलेश्वर परमेश्वर अकारण करुणा वरुणालय निखिल हेय प्रत्यनीक अखिल गुणगण निले, मैं सारी की सारी दुनिया का मालिक हूं, सारी की सारी दुनिया सृष्टि का भार उठाने वाला हूं, लेकिन आज मुझसे उस विप्र की माला का भार नहीं उठ रहा है। आप जाओ और जाकर के उस विप्र का जितना भी सारा का सारा बिका हुआ उसको वापस करके आओ और मेरे समक्ष आओ। जैसे ही उन्होंने ये कहा, गोसाई जी के शिष्य गए विप्र को लेकर के आए, लेकर के आने के बाद श्रीनाथ जी के सामने उसको प्रस्तुत किया। प्रस्तुत करने के बाद श्रीनाथ जी के गले में जो माला पड़ी हुई थी उसको उतार करके जैसे ही विप्र के गले में दी, तुरंत श्रीनाथ जी की गर्दन ऊपर उठ गई। ये भगवान की भक्त वत्सलता है, श्री भगवान की भक्त वत्सलता है। देखो हमारे घर संत पधारे हैं, हमारे घर सदगुरु आए। आप में से कौन कौन है जिनके सदगुरुदेव महाराज जी हैं? महाराज जी हैं आप लोग के सदगुरु, तो बिना आप लोगों को वाक्य तो पता ही है, बिना भगवान बिना सदगुरु की कृपा से श्री भगवान कभी नहीं मिलते, कभी भी नहीं मिलते। गुरु की आवश्यकता होती ही होती है। भगवान को मिलाने वाला श्री गुरुदेव को मिलाने वाले जीव के श्री गुरुदेव ही हैं। आपने हनुमान जी का नाम सुना है ना? हनुमान जी का नाम तो सब जानते ही, मैं बता चुका हूं। जब उन्होंने वो सुग्रीव के पास गए, सुग्रीव कोई साधारण नहीं थे, साक्षात सूर्य नारायण के अंश ही सुग्रीव जी थे, लेकिन उन्होंने ही बीच में मीडिएटर बन करके, गुरु बन करके हनुमान जी ने राम जी और सुग्रीव जी को मिलाया। इसीलिए तो कहते हैं, मिलाए गुरु बन ब्रह्म और जीव, मिले तो सखा राम सुग्रीव, आप गुण ज्ञान बुद्धि बल नीव, आपकी जय हो जय हो जय हो, अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय हो। इसीलिए गुरुदेव ही मिलाएंगे, गुरुदेव ही। आप लोगों ने सुना होगा, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब प्रभु से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना कि अब हरि से मिलन होगा। भगवान संत के मिलते ही हरि के मिलन की प्रतीति उदय हो जाती है, भगवान के मिलने की भूमिका प्रस्तुत हो जाती है, तैयार हो जाती है। अब महाराज जी का आदेश हुआ है कि मैं एक बार कंठी और तिलक पर भी प्रकाश डाल दूं। आप लोगों में से बहुत होंगे जिनके गले में कंठी नहीं होगी, जिनके मस्तक पर तिलक नहीं होगा, आप लोग उसको जरूर सुशोभित करें, जरूर तिलक लगाएं, जरूर कंठी धारण करें। इनके शास्त्रों में बहुत प्रमाण है, इनकी भूमिका बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है कंठी और तिलक की। जिसके गले में कंठी होती नहीं होती ना, शास्त्र उसको निषेध करता है, उस व्यक्ति को। लिखा है यत कंठे, पद्म पुराण का श्लोक है, यत कंठे तुलसी नास्ति ते नराह मूढ़ मानसा, श्रोति विष्टाम समम चान्नम जलम च मदिरा समम। जिसके गले में तुलसी नहीं है ना, उसका छुआ हुआ जो जल है ना, वो मदिरा के तुल्य माना गया है हमारे शास्त्रों में, और उसके उसके द्वारा छुआ हुआ जो अन्न है वो स्वानविष्टा के समान माना गया है, कुत्ते की पॉटी जिसको आज की लैंग्वेज में बोलते हैं हम लोग। इसीलिए तुलसी अवश्य धारण कीजिए। तुलसी जब गले में धारण करी है ना आपने, और जब कुछ भी आप अन्न खाएंगे और वो अन्न मुख में जाएगा, तो शास्त्र कहता है सिकते सिकते तू लभते वाजमे इति फलम मुने, एक एक अन्न के दाने पर करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। ये है तुलसी की महिमा। स्नान के समय यदि कंठ में तुलसी है तो स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा,
सर्वतीर्थेषु स्नानं भवनिदितेन न संशया। स्नान के समय गले में यदि तुलसी है, ऊपर से जब जल पड़ता है और जब जल आता है कंठी को छू करके पूरे शरीर पर पहुंचता है, तो भारतवर्ष में समस्त भारतवर्ष की पवित्र तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। यह है तुलसी की महिमा। अच्छा, तिलक की महिमा। तिलक हमारे जो वैष्णव का तिलक है उसको ऊर्ध्व कुंड कहते हैं। ऊर्ध्व कुंड धर्योर मृत्योर स्मृयते यत्र कुत्रचित स्वपाकोऽपि विमानस्थं मम लोके महीयते। स्कंद पुराण का श्लोक है। इसका अर्थ क्या है? ऊर्ध्व कुंड मस्तक पे है, तिलक मस्तक पे है। हम लोग देखते हैं कि न्यूज़पेपर्स में सुनते हैं, आर्टिकल्स में सुनते हैं, हम लोग न्यूज चैनल्स में भी सुनते हैं हम लोग, और किसी से मिलते हैं व्यक्ति से तो भी सुनते हैं, अरे आज पता है तेरे को वो बंदा वो चल रहा था आराम से सड़क पे, चलता चलता वो मर गया, वो बैठा था, वो बैठते 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 उसको हार्ट अटैक आया, वो चला गया, वो सड़क पे चलता था एकदम से गिर गया, वो मर गया। मृत्यु का कोई स्थान निश्चित नहीं है, वो तो केवल श्री भगवान ही जानते हैं कि हमारी मृत्यु का स्थान कहाँ पे है। अन्यत्र पूरे पूरे के पूरे विश्व में दूसरा कोई नहीं बता सकता कि हम कहाँ मरने वाले हैं। तो इसलिए यदि कहीं भी अचानक से मृत्यु हो जाए और अगर मस्तक पर तिलक है, तो भगवान खुद कहते हैं मम लोके महीयते, मेरा विमान उसको लेकर के अपने धाम की ओर जाता है, उसकी दुर्गति कभी नहीं होती। ये भगवान का वचन है। सबते बड़ी भक्तमाल जी का पद है। सबते बड़ी तिलक अरुमाला सदा सहाय रहे गोपाला, दूब साटी जो संत ही मारे उनको चक्र सुदर्शन जारे। सबते बड़ी तिलक अरुमाला, ये तिलक और माला सबसे बड़ी है, वैष्णवों का श्रृंगार है। जैसे कोई नई नई बहू चलती है ना और कमर तक घूंघट करके जब श्री राधारमण जी के दर्शन की ओर प्रतिगमन करती है, तो जैसे ही वो अपना घूंघट उघाड़ती है, तो यदि कोई कामी व्यक्ति सामने खड़ा हो और मस्तक पर उसके बिंदी और मांग में सिंदूर दे करके समझ जाता है कि ये पहले से ही परिणीता होकर के हमारे सामने प्रस्तुत हुई है, तो इस पर दृष्टि डालना ठीक नहीं है। ऐसे ही जब वैष्णव भगवान के दिव्य नामावली से युक्त होकर के और भगवान के दिव्य मंत्रों से, उनके अर्चन से, उनकी परिचर्चा से, उनकी अर्चा से युक्त होकर के जब कंठी और तिलक धारण करके किसी भी देश में या किसी रास्ते में निकलता है, तो गंदी वासना और कामना एक बार उसको देख करके सावधान हो जाती है कि अब इस पर नजर डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये श्री भगवान का है, क्योंकि ये स्वयं श्री गोविंद का है, स्वयं श्री बांके बिहारी का है। इसलिए आप लोग बिल्कुल, क्योंकि शास्त्र में देखो कहा जाता है देवम भूत्वा देवम यजेत, देव बनकर के ही देव का अर्चन करना चाहिए। लोग पैंट और शर्ट में ही भगवान का पूजन और अर्चन कर देते हैं। एक बार मैं देख रहा था, कोई बंदा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहा था, मेरा जानकार था, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहा तो फिर मैंने देखा भाई ये क्या पहन रखा, कहते पैंट शर्ट पहना, अरे पैंट शर्ट पहन करके कभी सहस्त्र नामों का, स्तोत्रों का और ये सब के सब श्रुतियों का, वेद का, पुराण का पाठ नहीं करना चाहिए। भगवान के दिव्य वस्त्रों को पहले, जो भी वस्त्र आए आप, धोती कुर्ता लाएं या फिर जो भी आए, पहले उसको श्री भगवान को स्पर्श कराइए, फिर उसके बाद पहनिए। देखिए पूजा में लोग कहते हैं, लोगों का आदि की तो यही समस्या होती है, हमारा पूजा में ही मन नहीं लगता है, जल्दी जल्दी छुट्टी करो बस। वो एक था, मैं गया तो उनके घर गया, तो मैंने कहा भाई भोग तो लगा दे तू, तो भोग लगाने के लिए वो हुआ, तो पूरी की पूरी थाली भरी थी, और भोग कैसे लगाया उसने, खोला पर्दा मंदिर का और रख करके पर्दा हटाया, पर्दा बंद किया, मतलब वो पर्दा लगाया और एकदम से खोल दिया तुरंत, और वो प्लेट वापस कर दी। अब मान लो ठाकुर जी और ठाकुरानी जी, राधा रानी जी दोनों एक साथ बैठे हो, राधा रानी जी बस लेने को ही हुई हो और एकदम से उसने प्लेट हटा ली हो, तो श्री कृष्ण कितनी हंसी उड़ाएंगे राधा रानी की, सोचो कि एकदम से ही हटा ली। इसलिए समय दो, जो पद्धति है पूजा की वैसे। देखो लोग कहते हैं कि हमें तो कुछ भी नहीं आता, हम तो बिल्कुल वो है, जिसको कुछ नहीं आता ना उसके लिए कोई निषेध नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ भाव प्रधान है, भाव भावग्राही जनार्दना,
भगवान भाव के बुक हैं, लेकिन आप लोगों को कम से कम इतना तो सोचो कि भाई हम क्या एकदम से प्लेट आई, मम्मी ने आगे प्लेट करी तो तुरंत अटाली तो क्या हमारा पेट भर गया। ऐसे ही एक बार महाराज बड़े महाराज जी से पूछा गया कि हम भक्ति कैसे करें, तो महाराज जी ने कहा तुम कितने सदस्य हो घर में, तो उसने कहा चार, मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरी बहन। तो उसने कहा अच्छा, तो अब एक बात समझ ले, पांच लोग हैं आज से, श्री बाल गोपाल जो तूने कोने में पधरा रखे हैं ना, आज समझ ले वो भी तेरे घर के सदस्य हैं। इसलिए संतों में संत कहते हैं बजा के उठा ले और दिखा के खा ले, मतलब घंटी बजा करके उठा ले भगवान को और दिखा करके और खा ले, यही तो भक्ति है। बजा करके सुबह भगवान का दिव्य घंटा नाद करते हुए भगवान को प्रेम से जगाओ और दिखा करके भगवान को अर्पण करके और फिर प्रसाद आरोगो, देखो कितना, यही तो भक्ति है, और भक्ति क्या है, इसी का नाम भक्ति है। इसीलिए आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि महाराज जी आप लोग के यहाँ आए हैं, संत की बहुत महिमा है भैया, संत घर पे आ जाए तो अपना सत सौभाग्य मानना। मैं अपने आप को इतना धन्याति धन्य मानता हूँ क्योंकि ऐसा कोई संप्रदाय नहीं है जहां पे मैं ना गया हूँ, जहां के सत्संग मैंने अटेंड ना किए हूँ, जहां पे मेरी प्रेजेंस ना हुई हो। हमारे घर पे शुरू से ही संत आए हैं, लेकिन सच्ची बात बता रहा हूँ, इधर उधर उधर इधर से कुछ नहीं, महाराज जी की शरण में आकर के जो मुझे शांति की प्रतीति हुई है वो अन्यत्र कहीं नहीं हुई। आप लोग सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे संत हमारे यहाँ पर आए हैं, आप लोग पूरा लाभ उठाइए इनसे। आपकी आप समस्त व्यक्तियों की मंगल कामना करता हूँ, कल्याण की कामना करता हूँ और महाराज जी के चरणारविंदों में वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे कृष्ण। हाँ हरि बोल, सुन रहे हो, देखो ये पढ़ाई भी क्या है, भगवान की कथा भी सुनाते हैं, तो दोनों भी कोशिश करो हैं, तो दोनों भी भगवान की कथा सुनाने की कोशिश करो, ठीक है ना। जैसे तुम्हारी बच्ची, तुम्हारे जो यार दोस्त हैं, इधर आ जाओ, माता जी इधर आ जाओ, इसलिए थोड़ी थोड़ी भगवान की कथा भी सुनाया करो, ठीक है ना। भगवान दुनिया तारीख तो बहुत सारी कथा सुना देती है, यार दोस्त मिल जाओ, नहीं से किया नहीं से किया, लेकिन जब भगवान की कथा सुनाओगे ना तो ये वाणी की शुद्ध होगी, ये तो वाणी की शुद्ध नहीं है। इसलिए कोशिश बैठो ना, अरे गुरु जी जल्दी बैठो, इसलिए ठीक है बच्चों क्या करना, भगवान की कथा सुनाने की कोशिश करो, भगवान की धीरे धीरे ठाकुर जी की कथा सुनाओ, ठीक है ना। अगर जो जो गजेंद्र अनिरुद्ध दोनों बच्चे हैं ना, जानते भी नहीं, देखो कितना अच्छी नौकरी कर रहे हैं, कितना अच्छी नौकरी कर रहे हैं, देखो भगवान की कथा सुना रहे हैं, कमल प्रभु को देखो, प्रभु जी को देखो, कथा सुनाते भगवान की कथा सुनाते, इसलिए पढ़ाई करो अच्छे तरह से, अच्छे तरह से पढ़ाई करो, अपना काम भी करो और क्या करो, भगवान की भक्ति करो और दूसरों को भी भगवान की भक्ति की उपदेशो, ठीक है। जब अगली बार आएंगे मैया जब कथा सुनाएंगी जब भगवान कपिल देव ने माँ कथा सुनाई, कपिल देव ने माँ कथा सुनाई, वो बेटा इसको सुना रहे बेटा, कहते बेटा माँ को सुना रही, बेटा माँ को सुना रही, समझ रहे हो। इसलिए भक्ति जगत में छोटा बड़ा के विचार नहीं है, भक्ति जगत छोटे बड़े का विचार नहीं है, जो भजन करता है वो बड़ा है, जो भजन करता है वो बड़ा। और देखो भक्ति ऐसे की चीज है ना, भक्ति ऐसे की चीज है, जो भगवान की भक्ति करता है ना उसको ऊँचा उठा देता है, भक्ति उसको ऊँचा उठा देता है। जो कथा सुनाने लगे ठीक है ना, छोटे छोटे बच्चे कथा सुनाते, 10-15 साल के बच्चे पूरी भागवत कथा सुनाते, पूरी भागवत कथा सुनाते,
इच्छा पूर्ण ठीक है, मुझे कोशिश करो भैया जब कथा सुनाएगी कथा में बैठना है, बैठते कि नहीं? ये दोनों बच्चे बैठते हैं? इनको स्मार्टफोन मत दिया करो, ये बच्चों को ये तो पढ़ लिख लिया अच्छी बात, इसको मत दिया करो, नहीं इसको मत दिया करो, ये वो ही ना अंदर सो जाते हैं तब उठा के जाता है। आजकल क्या है जैसे फोन में पासवर्ड डालो तो आपका फिंगरप्रिंट आप सेट कर देते हो, तो पूरे विदेशों में क्या हो रहा है कि जो जब माँ बाप सो जाते हैं और जिस बच्चे को आपने मोबाइल नहीं दिया होता तो वो सोते सोते माँ की उंगली से उसका फोन अनलॉक कर लेता है और उसके बाद यूज कर लेता है, माँ को पता ही नहीं लगता कि मेरा फोन। बच्चे लोग बहुत चालू है, ये जो स्मार्ट है ना बच्चों की, अब कोई एक मैसेज आया था ना, कोई उसका पिताजी पुलिस से रिटायर्ड थे, उसका बेटा बहुत ज्यादा जब फोन व्यवहार करता था, स्मार्टफोन देता था, बेटा मना करता था, बेटा उसको मत देखा करो, हाँ तू जानता है बच्चे इसमें बिगड़ते हैं, पढ़ाई करो लिखाई करो ज्यादा, हाँ ज्यादा बच्चा देख रहा था, ज्यादा देख रहा था पिता छीन लिया, वो बच्चा ने उसको पिता को गला काट दिया, अभी थोड़े देर पहले उसका शरीर को टुकड़े टुकड़े करके काट दिया पिताजी, पिताजी गला भी काट दिया उसको टुकड़े टुकड़े काट दिया, और अभी ये स्मार्टफोन अभी बच्चों को टुकड़े बिगाड़ दिए, महाराज जी ने गेम खेला था पबजी, हां पबजी खेल रहा था वो, हां पबजी करना, उसकी मदर ने उसके पिता ने उसकी मदर ने जब जैसे फोन को खींचा ना कि भाई नहीं, उसको गुस्सा उसने तलवार से काट दिया उसको और टुकड़े टुकड़े कर दिए, फिर वो पकड़ा गया उसे। पबजी क्या होता है? गेम होता है बच्चों को, धन्यवाद पबजी समझ रहे हो, बोलो बोलो। हरे कृष्ण अच्छा कल गुरु कृष्ण कृपा संग के बच्चा में पिता नाम पावन है जो वैश्य का निकलो नमो नमः ओम ज्ञान ते मेरा रहस्य ज्ञान अंजन शिला चक्षुरन मिले तम ये न तस्मै श्री गुरुवे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तगण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले सभा में उससे प्यास पीप पे विराजमान पूज्य पाशील वेदांत महाराज जी के चरण कमलों में मेरा दंडवत प्रणाम, और उनके साथ आए सभी भक्त वृंद को भी दंडवत प्रणाम। आज के इस आयोजन का श्रेय पूरा प्रभु जी को, दीदी को और अंकल जी को जाता है जिन्होंने इतना अच्छा सहयोग हम सबको प्रदान किया और महाराज जी को निवेदन कर करके यहाँ आमंत्रित किया है, क्योंकि हम सभी आज महाराज जी को ही अधिक सुनना चाहते हैं, तो मैं अधिक समय तो नहीं लूंगा, मैं दो तीन बातें जो सरल शब्दों में हम समझ सकें। मैं आपके सामने तीन छोटी छोटी घटनाएं बोल रहा हूं और उसके बाद एक प्रश्न पूछूंगा, आपको एक दो मिनट सोच कर करके उसका जवाब देना है कि उन सब में कॉमन चीज क्या है। पहली जो घटना आपको बताना चाह रहा हूं, 1912 में एक इंग्लैंड में एक बहुत ही विशाल काय जहाज का निर्माण किया गया, और इतना विशाल वो जहाज था उससे पहले आज तक उस समय तक की हिस्ट्री के हिसाब से उससे बड़ा जहाज, उससे शक्तिशाली पानी का जहाज नहीं बनाया गया था, और बहुत अमीर लोगों ने उसमें टिकट खरीदी और वो सब बैठे, और तीन दिन चलने के बाद अटलांटिक ओशन में वो अमेरिका जा रहा था, तो अभी उसकी 7 दिन की जर्नी थी, लेकिन 3 दिन के बाद उस रात को उस जहाज की एक पानी में जो ग्लेशियर्स बर्फ का पहाड़ जो होता है उससे उसकी टक्कर हो गई आइसबर्ग, और वो जहाज डूब गया, और उसमें लगभग 3,500 लोग थे लेकिन उसमें से कुछ को बचाया गया, कई डूब गए, और आप समझ गए होंगे कि मैं टाइटैनिक की बात कर रहा हूँ।
दूसरी घटना अभी सिर्फ कुछ दिन पहले की है, जब पूरा विश्व और विशेष करके हम सभी भारतवासी बहुत ही उत्सुकता से रात रात भर जाग करके देख रहे थे कि हमारा जो चंद्रयान दूसरा है वो चंद्रमा की सतह पे उसने लैंड करना था, लेकिन किसी वजह से किसी भी अभी उसका इतना एग्जैक्ट नहीं पता लगा कि क्या हुआ उस समय में, तो वो कुछ बस दूरी पे चांद से वो रह गया और वो मिशन हमारा उस सेंस में पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुआ। और तीसरा मैं आपको एक अलग तरह का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हम सभी लोग घरों में एक दवाई इंडिया में बहुत सालों से बहुत पुरानी दवाई है, रेनिटिडिन सॉल्ट है, बट उसको आप तरह तरह में आपने जिंटेक खाते होंगे, अगर एसिडिटी आपको होती है आप जिंटेक खाते हैं तो उसमें वो सॉल्ट लगता है। और अभी अमेरिका की जो यूएस एफडीए है वहाँ पर उन्होंने कुछ दिन पहले ही एक चेतावनी जारी करी कि उसमें कुछ एक ऐसा सॉल्ट हो सकता है जिसकी वजह से आपको कैंसर हो सकता है। मतलब दवाई तो आप अपने आपको ठीक करने के लिए खाते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ पाया कि शायद उसका कुछ ऐसा नुकसान हो सकता है कि आपके शरीर में उससे कैंसर हो सकता है, और उसकी वजह से हमारी जो इंडियन ड्रग अथॉरिटीज है उन्होंने भी एक कॉशनरी नोट जारी कर दिया है कि फिलहाल इस दवाई को मार्केट से वापस ले लिया गया है। मेरा प्रश्न ये है, इन तीनों घटनाओं में कौन सी ऐसी कॉमन चीज आप सोच सकते हो जो लगभग तीनों में कुछ हद तक कॉमन है? विचार करिए और मुझे बताइए, गलत भी जवाब होगा तो कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब बड़ा सरल सा है, थोड़ा बस आपको सोचना है इसके बारे में। हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। एक जवाब आया कि हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, ये भी बात ठीक है। और सोचिए इस विषय में, हम अपनी तरफ से तो पूरा बेस्ट करना चाहते हैं बट रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, ये दीदी ने कहा, वो भी दीदी ने कि हम करना चाहते हैं बेस्ट लेकिन रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, ये भी एक पार्शियली करेक्ट आंसर है, ठीक है, बिल्कुल। ये दीदी कह रही है कि ये चीजें भगवान से जुड़ी हुई नहीं है, हम उस तत्व पे अभी बात नहीं करें, हम ये मान के चल रहे हैं भगवान से लेना देना विशेष ना भी हो, मतलब ये संसार की घटनाएं हैं और वैसे संसार भी सारा भगवान का ही है, तो जब हम ये कहेंगे कि इनका भगवान से लेना देना नहीं है तो वो टेक्निकली पूरी तरह से ठीक नहीं है। गीता में भगवान ने कहा ये प्रकृति मेरी ही है, वो तो पिछले युगों में भी ऐसी घटनाएं हुई है, मैं तो सिर्फ इसलिए तीन घटनाएं बता रहा हूँ कि इसको आप सच मान करके विश्वास कर सकते हो क्योंकि आपके सामने नहीं है। और सोचिए तो अभी किसी चीज की गहराई तक ना पहुंच पाओ। हाँ, ये भी एक अच्छा जवाब है, अभी हमारे अंदर कुछ ऐसी कमी है कि हम जब कोई भी प्रयास कर रहे हैं उसकी गहराई तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रहे, कहीं कुछ कमी रह जाती है। बहुत अच्छा जवाब है, इन दीदी के लिए हम एक बार क्लैपिंग भी करेंगे। मैं अधिक समय ना लेता हुआ, हम सभी आंसर आंशिक रूप से सत्य हैं, इसमें कोई किसी का आंसर गलत नहीं है, लेकिन ये जो दीदी ने बात कही इसको मैं आपसे एक रिलेट करना चाह रहा हूँ कि वास्तव में इन तीनों के पीछे बहुत ही हाई लेवल का साइंस इन्वॉल्व है, ठीक है। 1912 में जो जहाज बनाया गया तो बड़े दिग्गज साइंटिस्ट ने उस समय दिमाग लगाया होगा इतना विशाल जहाज बनाना और उसको इस तरह से पहुंचाना, लेकिन कुछ गलती कुछ कमी की वजह से रात के समय वो उनको नजर नहीं आया है, कुछ कहीं ना कहीं उसकी डिजाइनिंग में या उनके चलाने वालों से कुछ गलती हो गई। एक बार अभी जो चंद्रयान गया, रॉकेट साइंस हम कहते हैं कि वो अपने आप में विश्व का सबसे अधिक कॉम्प्लिकेटेड साइंस है ना, जनरल तो आपके बच्चे इंजीनियरिंग कर लेते हैं, अब हमारा ये जो बच्चा है इसने आर्किटेक्चर की डिग्री ली, आपके बच्चे भी कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, प्रभु जी भी पीछे बैठे हैं, वो भी शायद इंजीनियर हैं, तो प्रभु जी भी हैं इधर से, लेकिन कहने का अर्थ ये है कि जो लोग कॉस्मोलॉजी और इस तरह की चीज़ों में जाते हैं वो सबसे हाईएस्ट नासा और जैसे हमारा जो इसरो है यहाँ पर बच्चे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जाने के बाद भी चांद तक हमने एक चीज़ पहुँचाने की कोशिश, पर कहीं कुछ कमी सी रह गई, कुछ कमी रह गई। और तीसरा, जब दवाई भी आप खाते हो तो उसके पीछे बड़ी रिसर्च होती है, एक दवाई को लॉन्च ऐसे नहीं किया जाता कि कोई भी डॉक्टर ने कहा कि हाँ इस दवाई को मैंने दिया था और इससे मरीज को फायदा हो गया था और वो बस फैक्ट्री में दवाई बनाना शुरू करते, ऐसा नहीं होता है, 15-20 साल लगते हैं, क्लिनिकल एनालिसिस होते हैं, बहुत सारे लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, पहले चूहे इत्यादि के शरीर, क्योंकि चूहे की संरचना हमारे शरीर जैसी होती है इसलिए पहले चूहे पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, इसलिए जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं आप लोगों ने इसी कुछ में पढ़ी होगी तो 11th-12th क्लास में आपको चूहे की डिसेक्शन कराई जाती है, क्यों, क्योंकि उसका सिस्टम हमारे से काफ़ी हद तक कॉमन होता है।
तो इतनी दवाई रिसर्च करने के बाद जो आप कितने सालों से वो दवाई खा रहे थे और आज एकदम से अमेरिका आकर के कहते हैं नहीं नहीं इस दवाई में कुछ कमी है, अब उनका सोचिए तो रेगुलर खा रहे हैं, उनके मन में एक भय आ गया कि यार कहीं ये तो नहीं, अब कि उनमें से अगर 100 में से अगर एक को भी कैंसर किसी भी और वजह से भी होगा वो सोचेगा जी मैंने तो ये दवाई खाई थी और मतलब ये हो गया। तो जो चीज आपके भले के लिए थी वो वास्तव में आपके लिए मुश्किल होगी। तो हमारे शास्त्र ये बात बताते हैं कि मनुष्य कितना भी प्रयास कर ले मनुष्य के अंदर एक तो गलती करने की हमेशा प्रोपेंसिटी रहेगी जो इंद्रिय ने बात कही, ठीक है, और दूसरा हमारी इंद्रियां सीमित होती हैं, जैसे हम सब इस कमरे में बैठे हैं हमें नहीं पता कि इस दीवार के पीछे क्या है क्योंकि हमारी आंख लिमिटेड फोकस पे काम कर सकती है, मुझे नहीं पता मेरे पीछे आकर के कोई खड़ा है या ये जो कुर्सी जिसमें मैं बैठा हूँ उसका कलर क्या है, मैं आगे का बता सकता हूँ बट पीछे का नहीं बता सकता, तो इंद्रियों की लिमिटेशन है। तो जो वैज्ञानिक या जो भी आज समाज में प्रगति हो रही है क्योंकि वो हमारे जैसे इंसान कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी कोई लिमिटेशन है और उसी लिमिटेशन की वजह से अच्छे अच्छे प्रयास होने के बावजूद भी कहीं पे कुछ ना कुछ कमी रह जाती है जिसका हमें नुकसान भरना पड़ता है। अब इस सत्संग का उद्देश्य क्या है कि हम भगवान के बारे में जानने के लिए आए हैं, तो शास्त्र बताते हैं कि जो भगवान है वो किसी भी परम सत्य है, परम सत्य का अर्थ ये है उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है, उसमें किसी तरह का कोई दोष नहीं है, उनकी जो इंद्रियां हैं वो पूर्ण है, उसमें किसी तरह से उनसे कोई भी ऐसा कुछ कार्य नहीं हो सकता जिसका के परिणाम ऐसा हो जैसा कि हमारे साथ हो जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जानना उस परम सत्य को है और हम हैं लिमिटेड, हमारी इंद्रियों में भी प्रॉब्लम है ना और गलती भी कर बैठते हैं, और एक तीसरी चीज और भी है चीटिंग प्रोपेंसिटी भी शास्त्र बताता है कि इंसान कितना भी कर ले कहीं ना कहीं हमारे अंदर चीटिंग भी भावना रहती है, वो एक अलग विषय आप सब जानते हो करप्शन क्या है डॉक्टरों के साथ, आज हर एक का, अभी मेरी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ और हम बड़े बड़े डॉक्टरों से मिले, एक ने कहा आपकी सर्जरी जबरदस्ती कर दी गई क्योंकि हम उसके हाथ में थे हमारे पास कोई टाइम नहीं था सोचने का, जब थोड़ा समय आया दूसरे डॉक्टर के पास गए जान पहचान वाले के पास गए, उसने उसकी थ्योरी ये थी कि आपके शरीर के ये तीनों पार्ट टूटे हुए मुझे सारे के सारे बदलने पड़ेंगे और 4 लाख का 1 मिनट के अंदर एस्टिमेट बना करके दे दिया। हम लगभग ऑपरेशन के लिए तैयार थे और फिर हमने एक तीसरे डॉक्टर का ऐसे ही पता नहीं भगवान ने शायद बुद्धि देते हैं, हमने ऐसे ही एक फोन किसी और तीसरे को किया, वो और बड़ा डॉक्टर था, उसके पास गए, उसने कहा नहीं अभी आप घबराइए नहीं, अभी आप 1.5 महीने तक कुछ मैं आपको जो एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ घर पे करिए तो देखी जाएगी ऑपरेशन करना या नहीं करना। तो देखिए तीनों बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, डिग्री वाइज तीनों बराबर हैं, तीनों MS थे, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स के डॉक्टर थे, तीनों की ओपिनियन अलग। अब आपके साथ जो हो रहा है वो आपकी अपनी किस्मत है या उनके मन में क्या चल रहा है वो आप नहीं समझ सकते। आजकल सबसे पहला सवाल पूछते हैं आपका मेडिक्लेम है कितने का है क्योंकि कागज देखते ही उनको पता लग जाता है। तो कहने का अर्थ है ये एक इंसान के अंदर एक चीटिंग प्रोपेंसिटी भी है। तो ये तीनों जो लिमिटेशंस हैं उनके साथ अगर भगवान को समझना है तो कैसे मेल मिलाप हो, उसके लिए शास्त्र ही फिर उत्तर दे रहा है कि गुरु के पास जाना पड़ेगा जो अभी प्रभु जी बड़ा अच्छा समझा रहे हैं। और वो जो गुरु जो है, अब आप कह सकते हो कि गुरु भी तो देखने में मनुष्य जैसे ही होते हैं, उनमें भी फिर यही प्रॉब्लम्स होगी। तो इसको हमारे स्वामी प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य थे वो एक बात बड़ी अच्छी सिंपल से समझाते थे कि जैसे किसी देश में एक एम्बेसी होती है, आपने देखा कभी आप में से कोई लोग विदेश गए हैं, यहाँ पर कोई विदेश, कोई आपके घर से बच्चा गया होगा विदेश, कभी गए हैं ना, तो जब कौन सी कंट्री गया था वो, कौन से देश, फिलीपींस, तो फिलीपींस जब वो गया तो किसी ट्रैवल एजेंट से आपने एयर टिकट तो ले ली, तो बस वो टिकट लेकर के ही उसको चढ़ा दिया था हवाई जहाज में, कुछ और किया था उस समय, वीजा और पासपोर्ट, तो पासपोर्ट तो हमारे उस देश से मिला जहां पर हम रहते थे जहां का ये बच्चा निवासी था, और वीजा जब तक फिलीपींस देश ने वीजा नहीं दिया तब तक बच्चा वहां जा नहीं सकता। और वो वीजा कहां मिला था आपको, क्या बच्चे को वीजा लेने के लिए फिलीपींस भेजा था या वो कुछ क्या हुआ था? नहीं, वहां से मंगवाया गया था, मंगवाया गया था, और यहाँ से आपने यहाँ की जो एप्लीकेशन दी होगी वो फिलीपींस एम्बेसी में दी होगी। तो जो फिलीपींस की जो एम्बेसी जो हमारे दिल्ली शहर में है, अमेरिका की एम्बेसी है, चाइना की है, इजिप्ट की है, पाकिस्तान की, सारी एम्बेसीज हैं, उनके ऊपर हमारे देश का नियम नहीं लगता, वो है उन देशों की एम्बेसीज, उनके नियम कानून उनके हिसाब से चलते हैं, है हमारे देश के अंदर। तो उससे आप समझ सकते हो
कि जब एक साधारण से संसार के अंदर ये संभव है कि किसी एक देश के अंदर दूसरे देश को हम कैसे उसका एग्जाम्पलरी एक मॉडल तैयार कर सकते हैं, तो वैसे भगवान के लिए क्या ये मुश्किल है कि अपने वैकुंठ लोक से, अपने गोलोक वृंदावन से, एक वहां से अपने किसी भक्त को इस संसार में भेज देना, जो कि देखने में जैसे यहाँ की एम्बेसी हमारी जैसे ईंट पत्थर से बनी हुई है लेकिन हमारे नियम कानून से बंधी हुई नहीं है, वैसे ही कोई संसार के इस लोक में नजर आने वाला कोई संत गुरु, जरूरी भी नहीं कि वो इन्हीं वस्त्रों में हो, किसी भी तरह से हो सकता है। हमारे शास्त्रों में दीदी आपको भागवत आजकल पढ़ा रही हैं, उसमें कई ऐसी कथाएं आती हैं कि गुरु किसी किसी रूप में कहां कहां पर कैसे भी आ सकते हैं, तो उनको भगवान वहां से भेज देते हैं। अब हमें कैसे वो सदगुरु मिल जाए, क्योंकि कलयुग है, रोज तरह तरह की परेशानियां आ रही हैं, कैसे पहचानेंगे? जैसे जब डॉक्टर ही, जिनको ऑथोराइज डिग्रीज मिली हुई हैं, डॉक्टर नकली नहीं है। अभी तो आपको हैरानी की बात बताऊं, एक रिसर्च अभी हुई है, इंडिया के अंदर 65% एलोपैथी के प्रैक्टिशनर्स नकली हैं, 65%, और ये सरकार का डेटा कहता है। हम अभी चलिए उस डिटेल में भी नहीं जाते, हम मान लेते हैं कि सारे डॉक्टर अगर जेन्युइन भी हैं, अगर फिर भी उसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे गुरु को? तो उसमें दो ही बातें हैं जो हमारे गुरु जी समझाते थे कि देखो, एक तो भगवान से प्रार्थना करो, इतना तो कर सकते हो कि प्रभु हम कुछ नहीं जानते। जैसे प्रभु जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर हम भोले भाव से भगवान के प्रति समर्पित हो रहे हैं तो स्वीकार कर लेंगे। चैत गुरु अर्थात हमारे चित्त में भी भगवान गुरु के रूप में विद्यमान है। सबसे नियरेस्ट साथी यदि आपका कोई है तो वो है, दुख की घड़ी में परिवार वाले हो सकता है, सब कुछ आपका बैंक बैलेंस भी है, आपके पति बहुत अच्छे कोई मिनिस्टर भी हो सकते हैं सब, लेकिन अगर समय आपका ठीक नहीं होगा तो पति किसी मीटिंग में होंगे, उनका मोबाइल उनके सेक्रेटरी के पास पड़ा होगा या वो अनरीचेबल होगा, आपके बच्चे कहीं कॉलेजेस में या कहीं पे गए हैं और आप सब हर चीज के स्वामी हो, लेकिन आपको कुछ शरीर में ऐसी दिक्कत हो गई और आप तड़प तड़प करके खत्म हो गए। ऐसा होता है, बहुत सारे केसेस आप पढ़ते हैं। तो सब कुछ है लेकिन भाग्य ने उस समय वो आपको परमिशन नहीं दी जिंदा रहने की। तो हमारे को भगवान से प्रार्थना करनी, इतना तो हम कर सकते हैं, हमें नहीं पता, इतना समझ में आ गया कि गुरु के बिना भगवान नहीं मिलेंगे, लेकिन उन गुरु को पाने के लिए भगवान से प्रार्थना, ये एक। और दूसरा फिर भगवान की कृपा, अब ये एक टेढ़ी खीर है, कब होगी भगवान की कृपा? वो स्वतंत्र हैं, स्वराट हैं, हम उनको बाइंड नहीं कर सकते। कब उनका हृदय पसीज जाए किसी से बहुत जल्दी, ऐसा लगता है कोई तो भक्ति में आया और बड़ी जल्दी भक्ति में आगे बढ़ गया, और कोई लगा हुआ है कई कई साल हमारे मठ में, हम भक्तों को देखते हैं लेकिन प्रगति उतनी अच्छी नहीं हो पाती। आपको लगता है वो तो मठ में रह रहा है, बड़ा अच्छा भक्त होगा, लेकिन नहीं, महाराज जी को पता होगा इनके सामने कितने हजारों भक्त मथुरा मठ में आए होंगे और चले गए, और वहीं पर ही ये महाराज जी मान लीजिए कि भगवान की कृपा से आगे बढ़ रहे हैं, पहले अच्छे शिष्य थे अब अच्छे गुरु बन रहे हैं। तो ये सब कैसे संभव हो रहा है? इसमें ये भी है कि हमारे पिछले जन्मों के संस्कार और बहुत सारी चीजें, तो भगवान की कृपा और अपनी सिंसेरिटी, ये दो के मिलन से भगवान की भक्ति में हम अवश्य में भी, इस जन्म में कृपा हो जाए, अगले जन्म में हो जाए, 500 जन्म के बाद हो जाए, लेकिन होगी जरूर, ये भगवान ने पूरा हमें विश्वास दिलाया। तो आज मैं यहीं पर ही बस अपना वक्त समाप्त कर रहा हूँ। एक बहुत छोटी सी बात, एक सेकंड प्रभु जी, धन्यवाद। एक छोटी सी बात प्रभु जी, बहुत अच्छी बात बता रहे थे तिलक और कंठी की, तो मैं आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूँ। अभी 2 अक्टूबर को क्या आने वाला है, बच्चे बताएंगे, बड़े नहीं जवाब देंगे उसका। 2 अक्टूबर को क्या छुट्टी आ रही है ना? नहीं नहीं छुट्टी है, क्या है, छुट्टी तो है, स्कूल तो बंद है ना, घूमने जाएंगे उस दिन तो, है ना? किस लिए छुट्टी है आप बताओगे? पहले अपना नाम बताओ। हंसिका, अच्छा, वेरी गुड। क्या है 2 अक्टूबर को? ये सबसे अच्छी स्टूडेंट है। आप बताओ बेटा क्या है 2 अक्टूबर को? गांधी जयंती है। तो मैं आपको एक छोटा सा संस्मरण गांधी जी का रियल बता रहा हूँ, उससे आपको थोड़ा एक आइडिया लगेगा कि तिलक कंठी और भगवान के साथ संबंध का क्या फायदा मिल सकता है। जब गांधी जी थे इस पृथ्वी पे भारत में और वो प्रसिद्ध हो चुके थे, महात्मा गांधी बन चुके थे, एक बहुत मशहूर गोल्डस्मिथ यानी कि जो सुनार आया, वो गांधी जी से तो नहीं मिल पाया, लेकिन जो गांधी जी के असिस्टेंट थे उसने उनको आकर के बोला कि आप गांधी जी को ये बताना कि मैं उनकी आशीर्वाद से एक बहुत ही
बुरी परिस्थिति से बच गया था, तो आप उनको बस मेरी तरफ से ये धन्यवाद दे दीजिएगा कि उनकी वजह से यार मेरा जीवन बचा हुआ है। तो उसने कहा आप आए हो तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि बापू पूछेंगे कि ऐसा क्या घटना हुई थी जिससे कि तो उसके साथ क्या हुआ। कहता मैं एक बार जंगलों से जा रहा था, उस समय तो भारत में ऐसी प्रगति नहीं थी, ये तो बात 1947 के आसपास उससे पहले की बात बता रहा हूँ आपको। कहता मैं एक बार जंगलों से जा रहा था और मुझे अकेला था और मेरे पास अपना सारा जो वो था सुनार था, तो मेरे पास बड़े महंगे आभूषण इत्यादि थे और मेरे को चारों तरफ से डाकुओं ने आकर के घेर लिया। तो कहता है मैंने बस कुछ दिन पहले ही ना गांधी जी के कुछ ये अटेंड किए थे, जहाँ वो अपनी जो भी वो क्या करते थे जनसभाएं करते थे और कुछ वो हमको फॉलो करता था थोड़ा सा। कहते मुझे और तो कुछ समझ में नहीं आया। कहते मैंने थैले में ना उनको दिखा दिया कि देखिए ये मेरे खादी के वस्त्र हैं और कुछ गांधी जी के जो एक उसके बाद निशान था कुछ ऐसा कुछ वो आइडेंटिफिकेशन मार्क था उनकी संस्था का वो था कुछ ऐसा करके। उसने कहा मैं तो बापू का फॉलोअर हूँ। और कहता है पता नहीं उनके मन में क्या आया, वो मुझे छोड़ कर करके जंगल में वापस चले गए। तो मैं जब ये घटना अभी दो दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ी तो मेरे को एकदम से प्रभु जी की बात से अभी एकदम से स्मरण याद आया। मैंने कहा देखो जब गांधी जी जो कि एक साधारण मनुष्य थे, उन्होंने बड़े अच्छे कार्य किए, राष्ट्रपिता बने, लेकिन एक साधारण मनुष्य थे। कोई उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कोई महात्मा, तो उनको एक उपाधि दी गई थी और वो इस वजह से नहीं थी कि उनके कोई धार्मिक विचारों की वजह से, उनको एक अच्छे कार्य करने की वजह से उपाधि दी गई थी। तो जब उनके ऊपर श्रद्धा रखने वाले एक व्यक्ति की जान बच सकती है, तो भगवान के ऊपर श्रद्धा रखने वालों का जो तिलक लगाएंगे या कंठी पहनेंगे या उनका भजन करेंगे, उनका नाम करेंगे, उनके सत्संगों में जाएंगे, उनके गुरुजनों का आश्रय लेंगे, तो उनके लिए संसार में भगवान क्यों नहीं उनको किस तरह से प्रोटेक्शन देंगे। ये विश्वास हमें बहुत बहुत कथा मैं तो पहले बहुत कथा सुना दिया, आप लोग कोई थे नहीं, अकेला में था। बलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे। बैठो प्रभु, एक मिनट कीर्तन कर लो। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय Thank you.
कहते मधुरम मधुरम मृतक मंगलम मंगलम। भगवान नाम मीठे से भी मीठा है और मधुर से भी भगवान की नाम मधुर। कहते जितने वेद पुराण उपनिषद अगर ये सारे ग्रंथों को मंथन करोगे ना, अगर कोई सार चीज निकला तो भगवान का नाम, भगवान की नाम ही निकलेगा। इसलिए जीवन का सार ही भगवान का नाम है। इसलिए देखना जीवन में जो कुछ करना कर लो, लेकिन जब अंतिम समय आएगा, जब शरीर छूटेगा, क्या बोलते बोलते चली जाएगी, यही बोलेगा ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा है। बोले भगवान के नाम के सिवाय जो कुछ किया तुमने झूठे भी बिताया, एक सुई धागा भी तेरे साथ में नहीं जा रही है। जितने ठाकुर का नाम जब किया वही तुम्हारे साथ में जा रहे हैं और कुछ नहीं जा रहा। इसलिए भगवान का नाम मधुर से ही मधुर। बोले एक समय साइंटिस्टों ने रिसर्च किया, बोले भैया क्यों कहते हैं भगवान का नाम बड़े मीठा है, अरे ठाकुर का नाम में बड़े शांति मिलता है, बड़े शांति मिलती है भगवत। अभी शांति मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना, ठाकुर का नाम में शांति मिल रही थी, हाँ शांति मिल रहा है। इसलिए एक समय उन लोगों ने रिसर्च किया, बोले क्या रिसर्च किया, बोले उन लोगों ने 3 ट्रे लिया और ट्रे में जो साबुत मूंग दाल डाल दिए और थोड़ी थोड़ी उसमें पानी दे दिया, और उन्होंने 3 ट्रे को अलग अलग जगह पर रखा। एक ट्रे को साधारण जगह पर रखा, एक ट्रे के पास में जो हरे कृष्ण महामंत्र ना उसको चला दिया, और एक ट्रे के पास में जो रग म्यूजिक कंदी म्यूजिक चला दिया। बोले देखते हैं क्या होता है। 3 दिन बाद में देखा जहाँ पर पैसे ट्रे रखा रहा ना वो थोड़ा अंकुर आया, मूंग दाल में थोड़ा अंकुर आया, और जहाँ पर भगवान के नाम के आसड़े में हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा था 2-3 गुना ज्यादा उसमें अंकुर आया, और जहाँ पर ये रक म्यूजिक गंदी म्यूजिक चल रहे थे वहां एक भी अंकुर नहीं आया, वो मर गया। हैं? इसलिए भगवान के नाम में इतने आनंद रस है, हैं? इस जगत में देखो शब्द में कितना फर्क है। शब्द में अगर मैं बोल दू है कमल प्रभु बहुत अच्छे है, नेचर के बड़े मधुर है, सबको पर दया करते हैं, सबको मदद करते हैं, सब दुख दर्द को समझते हैं, वाणी है ना बास खुश हो जाएगा। अगर किसको थोड़ा मैं गाली देती इडियट स्टूपिड ननसेंस बोल दूं, देखना है, देखना संसार में लड़ाई झगड़ा क्यों होता है, कुछ हुआ ही नहीं, सांस वो में कुछ नहीं हुई है, कुछ नहीं हुई, बस वो कुछ थोड़ी उल्टा पुलटा थोड़ी सी बोल दी, सांस ने थोड़ी कुछ बोल दिया, कुछ हुआ ही नहीं। देखना घर में महाभारत, घर में महाभारत, घर में सुन, ये साधारण शब्द में जब इतने शक्ति, फिर भगवान के नाम में क्यों शक्ति नहीं होगा, भगवान के नाम में क्यों शक्ति नहीं होगा। इसलिए भगवान का नाम बड़ा मीठा, भगवान का नाम बड़ा मधुर है, ठीक है ना। इसलिए हमारे एक संत कहते हैं जो व्यक्ति ठाकुर का नाम लेता है उसका 3 काम हो जाता है। कितना काम हो जाता है, क्या क्या? पहला काम होता है, कहते नरक में श्री जम महाराज चित्रगुप्त को बुलाते हैं, जानते हो चित्रगुप्त कौन है? चित्र मतलब होता है फोटो लेना, गुप्त मतलब छुपा करके। हम जो कुछ कर्म कर रहे हैं ना, अगर कोई सोचे नहीं चार तरफ में दरवाजा बंद कोई कुछ देख नहीं रहा, नहीं, ये सूर्य का दिन में सूर्य का किरण सब जगह, वो सूर्य साखी है, रात में रात सब जगह में, चंद्रमा किरण सब जगह में, फिर उसमें 10 दिशाएं, ये सब के सब साखी, कोई भी बात तुम छुपा नहीं सकते। इसलिए उसका नाम चित्रगुप्त है, गुप्त रूप में वो सारे फटो ले रहा है। मरने का बाद ना जब कापी खुलेगा सब रिकॉर्ड निकलेगा, हमने क्या किया जीवन में, कर्म किए, सब रिकॉर्ड वहां पर निकलेगा। इसलिए उसका नाम चित्रगुप्त, चित्रगुप्त वो बुलाता है, नहीं जब महाराज चित्रगुप्त को बुलाते भैया इधर ला, बोले क्या, बोले रजिस्टर लेकर का, बोले क्या करना, बोले वो व्यक्ति जो ठाकुर का नाम ले रहा है ना उसका नाम को काटो, उसको नाम यहाँ काट दो। बोले नाम क्यों काट दे, बोले भगवान का नाम ले रहा है ना, अभी वो नरक नहीं आएगा, वो कभी नरक नहीं आएगा, उसका नाम को काट दिया, काट दो नाम भी। इसलिए बोले सुपाच अभी महिपाल, वो चंडाल क्यों नहीं हो, भगवान कपिल देव कह रहे हैं, बोले मां वो चंडाल व्यक्ति क्यों नहीं है। चंडाल किसको कहते हैं, कहते जो कुत्ते का मांस जो खाते हैं, हैं? वो सोपच अभी महिपाल, अगर चंडाल व्यक्ति अगर क्यों नहीं हो, हे माँ अगर वो भगवान के नाम लेता है ना समस्त पाप से वो मुक्त हो जाता है, सारे पाप से वो मुक्त हो जाते हैं, हैं? पहला काम किया हो गया, क्या हुआ पहले काम, जब महाराज चित्रगुप्त को बोले उसका नाम को काट दो, बोले दूसरा काम क्या होता है,
बोले गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को कहती है रजिस्टर ले आ। बोले क्यों? बोले इसका नाम लिख दो, इसका नाम लिख दो। बोले क्यों? बोले ठाकुर का नाम जप कर रहा है ना, अभी वो गोलोक वृंदावन आएगा, वैकुंठ आएगा, गोलोक वृंदावन आएगा उसका नाम। बोले तीसरा काम क्या होता है? बोले ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी आरती का थाला सजाना शुरू कर देते हैं। बोले क्यों? बोले प्रभु का नाम ले रहा है ना, जब धीरे धीरे भूर भूव मोह जन तप सत्यलोक को पार करेगा उस समय आरती उतारूंगा, उस समय आरती उतारूंगा। ये भगवत का नाम लेना कहते ने महिमा ठाकुर जी के नाम लेने का, बड़ा पुण्य है ठाकुर का नाम लेने का है। इसलिए सबके सब ताली बजाते हुए हरि नाम करना। हाँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की भक्ति करें तो क्यों करें?
हम भक्ति करते करें क्यों है? अगर बोलेगा हम भजन कर, बोले क्यों भजन करने से क्या होता है? क्योंकि वो बोलते हैं ना, हाँ ये स्टोरी में ये चीज़ को समझा रहे हैं, ध्यान देकर सुन, तुम्हें पूछूंगा इस ठीक है कथा के बाद में, दोनों बच्चों को पूछूंगा, सबको पूछूंगा। बोले एक समय कोई एक बड़ा दरिद्र व्यक्ति था, बड़ा दुखी, दर दर भटक रहा है, खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए नहीं, रहने के लिए नहीं, बड़ा दुखी है। एक बहुत बड़ा कोई जमींदार था, उसने देख करके बोले भैया इधर आ। बोले क्या बात, तू दर दर भटक रहे हैं? बोले घर में खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए नहीं, कोई काम धंधा करने के लिए कोशिश करता हूँ, अगर सोने में भी हाथ लगाए वो भी मिट्टी बन जाती है, हम तो बड़े परेशानी हैं। वो व्यक्ति बड़ा बिजनेस मैन था। बोले देख बेटा मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, आज से अपना बिजनेस का तेरे में अपना पार्टनर बना देता। बोले सबरे और कोई नहीं मिला, मैं ही मिला हंसी दिलाई करने के लिए। आप कहाँ इतने बड़े हैं जमींदार हो, आप कह रहे हो अपना बिजनेस का मेरे को पार्टनर बनाओ। बोले बोले झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। देख ये सारे बिजनेस में तेरे को दे रहा हूँ, लेकिन उसमें जो 10% है तो मेरे को दे देना और 90% है तू रख लेना। बोले क्या बोल रहे हो, क्या है, क्या सबर नहीं मिल गया हंसी दिलाई करने के लिए? बोले मैं झूठ नहीं बोलता, सही बोल रहा हूँ, 10% मेरा और 90% किसका? तेरा, तुम्हारा। बोले अगर आप ऐसे करोगे ना, मैं दिन रात बराबर करके मैं काम करूंगा, हाँ दिन रात बराबर करके काम करूंगा। बोले ठीक है, आज से बिजनेस खुले। उसने बोला एक महीना बाद में मेरे को केवल 10% दे देना। लेकिन एक महीना जब बीत गया, उसने देखा वो व्यक्ति आया है, उसने सोचा भैया लगता है काम धंधा बढ़िया चल रहा है, शायद बिजी हो गया, बढ़िया अच्छी तरह से काम कर। दो महीना हो गया वो तब भी नहीं आया। बोले भैया क्या हो गया, दो महीना, तीन महीना हो गया तब भी नहीं आया। बोले अच्छी बात, शायद अच्छे तरह से काम धंधा करे, अच्छे तरह से काम करे, एक साथ में पैसा दे देगा। जब 6 महीना हो गया वो आया नहीं, बोले भैया उसका राम नाम सत्य तो नहीं हो गया, एक बार जाकर देखो तो सही कर रहा है क्या। जब उसने आया देखा बस बढ़िया से काम धंधा कर रहा है, अच्छे तरह से कर रहा है। उसने कहा वृक्ष पहचानते हो? उसने बोला आप कौन हो? तुम कौन हो? बोले तू भूल गया मेरे को, मैंने अपना बिजनेस दिया था ना तेरे को। बोले ओ आप वही हो हैं, आप वही हो? बोला हाँ मैं वही हूँ, और मैंने कहा था 10% मेरा और 90% तेरा है, लेकिन अभी तक तुमने ये 10% पहुंचाया नहीं। वो व्यक्ति कहता किस चीज की 10% है? काम करूंगा मैं, पैसा कमाऊंगा मैं, परिश्रम करूंगा मैं, और तेरे को बैठ बैठ के 10% क्यों दो? तो एक और 10% बनेगा। अगर ऐसे कोई व्यक्ति अगर बोलता है, आप उसको क्या बोलोगे? बोलो बोलो, आप लोग बोलो, ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोल सकते हो? क्या बोलो, जोर से बोलो, बेईमान, नमक हराम, धोखेबाज, जो कुछ उसको बोल सकते हो, उसको जो कुछ बोलता है तुम सब बोल सकते हो। देखो ये चीज को समझो, संत लोग समझा रहे हैं। ये बताओ दुनिया किसकी है? ठाकुर जी की। ये बिजनेस किसकी कृपा से हमें मिला है? ये दुकान मकान हमें किसने दिया है? ये बुद्धि हमें किसने दी है? लिखाई पढ़ाई हमें किसकी कृपा से हुई है? ठाकुर जी के। ये संसार किसकी कृपा से मिली? ठाकुर जी। लेकिन जब सब ठाकुर जी की, तब उसको 10% देने चाहिए कि नहीं? जिसने तुम्हें दुनिया संसार मकान दुकान दिया, जिसने, उसको 10% देने चाहिए कि नहीं बताओ? दिन भर मिलकर कितना घंटा होता है? 24 आवर, 26 घंटा होता है। 26 घंटा अगर उसमें 10% अगर निकालो, उसमें कितना समय होता है? कौन बोल रहा है 2 घंटा? इसलिए उसमें कम से कम 2 घंटा 40 मिनट होता है, 2 घंटा 40 मिनट होता है। भैया उसको तो कम से कम 10% दिया करो, तो 2 घंटा 40 मिनट तुम तो भजन के लिए, उसकी भक्ति के लिए तो दिया करो। जिसने, इसलिए ये सूरदास का पद है। हिंदी समझते हो? कौन कौन नहीं हिंदी समझते हो? सब समझते हो? देखो ये सूरदास क्या कहते हैं, बोले जिनी तनु देही ताही बिसराई, कैसे नमक हरामी, मौसम को न कुटिल खलकामी। ये सूरदास का पद है। बोले जिसने तुमको ये तन दिया, शरीर दिया, दुनिया दिया, दुकान मकान सब दिया, तो उसको ही भूल कर बैठ गया। इसलिए कहते हैं मौसम को न कुटिल खलकामी, मेरे जैसे कुटिल खल कौन हो सकता है,
जिसने तुम्हें दुनिया सब कुछ दिया, और जिसने कुछ दिया नहीं ना उसको पीछा भाग रहे, और जिसने सब कुछ दिया उसके लिए कुछ भी नहीं करते, उसके लिए हाँ कुछ भी नहीं करते हैं। इसलिए क्या करनी चाहिए, उसको 10% दिया करो। हाँ 10% मतलब कम से कम 2.5 घंटा भजन करने के लिए 2.5 घंटा उसके लिए दो, सब पूरा कर देनी चाहिए उसको, देनी चाहिए तो पूरा के पूरा। लेकिन कहते भैया 10% दिया करो, मतलब नहा धो करके सवेरे क्या करो, सबसे पहले ठाकुर को सेवा पूजा करो। देखो तुम्हारी घर में देख लो, तुम्हारी मैया की मैया सवेरे क्या करते थे, जल्दी जल्दी उठते थे, है ना, जल्दी जल्दी उठते थे, उठ करके ठाकुर जी को नहा धो करके सबसे पहले ठाकुर जो स्नान कराते करते ना, गीता रामायण पढ़ते थे, ठाकुर को तिलक लगा देते, अपनी तिलक लगा करते, ये सब करते कि नहीं हमारे परिवार में, सब यही काम करते थे। पहले और कोई काम धंधा नहीं था, पहले तो टीवी नहीं था, स्मार्टफोन था नहीं है, इसलिए लोग उल्टा पुलटा रास्ता में जाते नहीं, वो देखते नहीं थे, गीता रामायण सत्संग में अपना जीवन को इसमें ही बिताया करते थे। इसलिए मन में शांति सुख घर में सुख शांति घर में बनी रहती थी, क्यों, ठाकुर की कृपा से ही हम शांति सुख केवल ठाकुर की कृपा से ही रह सकते हैं। दुनिया की कोई वस्तु नहीं जो हमें शांति सुख दे सकता है भगवान की भक्ति में। देखो जैसे यहाँ पर बैठे हो, शांति सुख मिल रहा है कि नहीं, भगवान की कथा कीर्तन में मिल रहा है कि ना, मिल रहा है कि नहीं, हाँ। यहाँ से निकलोगे ना सारा दुनिया के बड़े सर दर्द आने लग जाएगा, घर में जाना पड़ेगा, ये होगा घर में, ये समस्या घर, लेकिन जब तक सत्संग में बैठे हो ना तब तो कोई सर दर्द नहीं, कोई सर दर्द नहीं, ठीक है ना। इसलिए घर में भगवान की सेवा पूजा भक्ति करो, ये जीवन बड़े भाग्य से मिला है, 84 लाख जन्मों के बाद में एक बार ठाकुर जी जीवन दिया, ये मानव शरीर नहीं भगवान के मुक्ति के दरवाजा पर पहुंचे, 84 लाख भ्रमण करते करते मुक्ति के दरवाजे पर पहुंचे हैं। अगर ये जीवन में प्रभु की भक्ति नहीं किया ना, ठाकुर जी कहते हैं फिर तुम्हें वही 84 लाख जीवन में फिर तुम्हें भटकना पड़ेगा, ठीक है। भगवान का भजन करो, भक्ति करो, जो कुछ खाओ ठाकुर जी को भोग लगा के खाओ, गंदी चीज को छोड़ दो, है मांस मछली प्याज, मांस मछली तो कोई खाते नहीं, कोई प्याज लहसुन खाते हो, लेकिन प्याज लहसुन को भी कोशिश करनी चाहिए उसको भी छोड़ देने के लिए। नवरात्रि रखते हो, कौन कौन रखते हो, क्या 9 दिन तक प्याज लहसुन खाते हो, नहीं खाते, बोले क्यों नहीं खाते, माता जी को पसंद नहीं तभी तो नहीं खाते हो, क्या मैया को 9 दिन के लिए खुश रखो, उसको बाद में खा करके नाराज कर दो। इसलिए जो प्याज है ना, ये गैया की मांस से ये प्याज सृष्टि हुई है, गैया की मांस से ये प्याज बनी है, गैया की हड्डी से ये लहसुन बनी है, हैं? इसलिए कोई हिंदू घर में पहले ये नहीं चलता था, कोई हिंदू, अब घर में देखो हर हिंदू घर में रामायण गीता होता था, ठाकुर को सेवा पूजा, पर इस चीज लाया कौन, कहते मुसलमान मुगल लोगों ने लाए, कौन लाए, ये जो मांस मछली प्याज लहसुन, ये हिंदू घर में ठाकुर सेवा पूजा हर घर घर में हमारी संस्कृति है की, लेकिन इन लोगों ने आकर के ना हमको खिला पिला कर सब मुसलमान बना, वो तो हमसे कुछ नहीं लिया, हम लोग उनसे उनका चीज को हमने, उनसे चीज को हमने ले लिया, वो हमसे कोई चीज लिए नहीं है, वो हमसे सब सब हम उनके जैसे बन गए। हाँ देखो तभी हम हिंदू कहलाएंगे, हिंदू का कोई लक्षण हो, गले में कंठी हो, तिलक हो, भगवान के नाम हो, चोटी हो, तभी तो हमें हिंदू कहलाएंगे ना। हमें कल आ रहा था, कल हम लोग थे, हम गए थे बड़ोती हापुड़ में, हम लोग किसी घर में प्रोग्राम करके आ रहे थे, अब बीच में देखा बहुत बड़ा मस्जिद, हम देखा मुसलमान लोग अपने इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, सब उनको सफ़ेद टोपी पहना करके, हाँ ये सफ़ेद टोपी पहना कर बच्चों को सब ले जा रहे हैं, हर पिता माता हर बच्चों को पकड़ कर ले जा रहे हैं, हाँ उनको पकड़ कर ले जा रहे हैं, और वहाँ पर बैठे कर नमाज पढ़ाते, अपना बच्चों को ही पढ़ाते, बता कोई बोलते हो बेटा एक गीता के श्लोक पर, बता कोई बोलते हो गीता का श्लोक पर। मैंने एक बच्चे से पूछा, पतंग उड़ा रहा था, मैंने पूछा तेरा नाम क्या, वो नाम से पता चला मुसलमान है, मैंने कहा तेरे को नमाज आता है कुरान आता है, वो छाती फुला करे है मेरे को कुरान आती है, तो सुना उसने झटा झटा कुरान बोलना शुरू कर दिया, कुरान बोलना शुरू कर दिया। मैंने पूछा भैया तुम्हारे धर्म में कितनी उम्र से ही कुरान सिखाया जाता है, कहता हमारे धर्म में कंपल्सरी 2 साल हो जाते हैं ना, 2 साल उम्र में हमारी कुरान कंपल्सरी पढ़ाया जाता है उन धर्म, हमारे धर्म में कोई भी बच्चे को बोलते हो गीता पर रामायण पर नहीं, गीता पर कोई बोलते हो, कोई बोलते नहीं, क्यों,
हम गीता रामायण पढ़ाते नहीं, बच्चे हम जहाँ जाते हैं ना सारा दुनिया थम जाता हूँ, कहते बच्चे बात नहीं सुनते, सारा दुनिया में एक ही रखना, बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चे अवाला होते, बच्चे बात नहीं सुनते। अरे बच्चा बात कहाँ सुनेगा, रामायण पढ़ोगे तो तब तो तुम्हारी खुद पढ़ोगे, बच्चों को रामायण पढ़ाओगे, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है ना प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु नमः माता, ठाकुर सवेरे उठकर पिता माता के चरण छूते थे। अरे रामायण पढ़ोगे बच्चों को पढ़ाओगे तब तो बच्चे सीखेगा, लेकिन बच्चे खुद पढ़ते नहीं, बच्चों को स्मार्टफोन पकड़ा देते हो, बच्चों को खुद पढ़ते नहीं, रामायण भागवत गीता पढ़ता नहीं, तो संस्कार कहाँ से बनेगा। पहले हर बच्चा देखना, आप देखो अपना बुजुर्गों को देख लो, पहले क्या करते थे, अपना पिता माता के चरण छूते थे, अपने सास ससुर की पूजा सेवा करते थे, कारण क्यों, ग्रंथ पढ़ते थे, शास्त्र पढ़ते थे, कैसे श्रवण कुमार हुए, कैसे अपना पिता माता को लेकर सारे तीर्थ में गए, ये सब पढ़ते थे, तभी किसी के अंदर अच्छे संस्कार बढ़ते थे। अभी तो पढ़ाते नहीं सब चीज को, तो बच्चे संस्कार कहाँ से बनेंगे, इसलिए क्या करो बच्चों को संस्कार दो, पहले तो खुद बने, पहला गुरु पिता माता, पिता माता देखना पिता माता जो करके बच्चे भी होते रहेगा, माँ आप सवेरे अगर रामायण पढ़े माला जब करें बच्चा देखेगा भैया क्या करेंगे, देखेगा ना, फिर बच्चे को देखना छोटे बच्चे सुबह भैया मेरे को मैं भी माला जलता हूँ, क्यों, पहला गुरु पिता माता। अगर खूब दिन भर भैया स्मार्ट फोन लेकर दिन भर बैठी अभी बताओ ये बच्चे सीखेगा, वो बच्चा सोचेगा ना ये बढ़िया कोई चीज होगा जिसको माता दिन भर देख रही है। इसलिए बच्चों को अच्छे बनाने के लिए सबसे पहले पिता माता को बलिदान देना पड़ेगा, उसको बलिदान देना पड़ेगा, हैं गणेश जी को पहले पिता माता को छोड़ना पड़ेगा, तुम्हारे बच्चे अच्छे बन सकते, ठीक है। हरि नाम करो, गीता रामायण पढ़ो, भजन करो, जीवन में शांति में रहो। बोले श्री वृंदावन बिहारी नाम की जय, जय श्री राधे, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण जय गोविंद जय जय राधा बोल के बताओ कि इसका अर्थ क्या है। तो तुम सारे बोल दिया बोल तो दिया।